What up, folks, and welcome to another episode of Demo Manager. Your when you're pro, D O M. So today's video will be started with some English commentary. तो आई हैव सीन द होल इंटरनेट सर्चिंग फॉर एक्सटर्नल टी सीज एंड देर आर मेनी बेस डिजाइन देट हैल टी सीज इन दैम बट नो वन रियली एक्सप्लेन्स द बेसिक अबाउट एक्सटर्नल टी सीज सो दिस वीडियो विल बी इन हिंदी एज एम एन इंडियन एंड आई मेक माई वीडियोज फॉर इंडियन सब्सक्राइबर्स सो इफ यूल वॉन्ट दिस वीडियो इन इंग्लिश एज वेल सो यू ऑल कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो आई मेट मेक अ सपरेट इंग्लिश वीडियो अबाउट द एक्सटर्नल टी सी सो क्या बोलते हैं भाई लोग वापस से चालू करते हैं हिंदी में तो आज के वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ कि एक्सटर्नल टी कैसे चलते हैं कैसे उसके अंदर रिसोर्सेज जाते हैं कितना अलग अलग टाइप का रिसोर्सेज आपको डालना होगा ताकि अगर आपका मेन कैबिनेट डिस्ट्रॉय हो जाए तो एक्सटर्नल टी कैसे आपका बेस को मेंटेन करेगा तो उसके बारे में बात करते हैं तो लेट्स द वीडियो विथ एन इंट भाई लोग बहुत लोग को मालूम ही होगा कि एक्सटर्नल टी कैसे काम करते हैं पर अगर आपको मालूम नहीं है तो बेसिकली सोचो कि अभी मैं एक रेड कर रहा हूँ ये मेरा ही बेसिप पर सोचो मैं रेड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बॉम्ब डाल के पहले तो ये डोर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो अभी मुझे जो है कैबिनेट दिख रहा है और साइड में यहाँ पे दो रूम्स बनाए मैंने तो उसे जो है लॉक कर देता हूँ और ये सोचते हैं कि यहाँ पे अंदर लूट है तो उसको अगर अंदर जाना है वो बॉम्ब्स यूज़ करने के बजाय वो जो है मेरा टीसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो फॉर एग्जांपल इसने ये वॉल डिस्ट्रॉय कर दिया और उसने मेरा टीसी ले लिया तो अभी उसके पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा कम बॉम्ब यूज़ करके उसने जो है मेरा टी को डिस्ट्रॉय कर दिया तो अभी वो खुद का टी प्लेस करके परमिशन ले वो डोर्स को तोड़ सकता है और डायरेक्टली अंदर जा सकता है पर अगर मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल टी प्लेस किया होता तो अगर वो मेरा मेन टी को भी अगर डिस्ट्रॉय कर देता था तो वो मेरा एक्सटर्नल टी मेन बेस को कनेक्ट हो जाता था और उसे जो है डिस्ट्रॉय करने होता नहीं था दोस्त तो उसे और एक्सप्लोजिव यूज़ करना पड़ता था तो एक्सटर्नल टी ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सो हाउ टू प्लेस एक्सटर्नल टी सो बेसिकली हमें क्या करना है कि आपको जो है थोड़ा डिस्टेंस जाना पड़ेगा आपको बेस से बाहर और बहुत तरीके ऐसे करने को पर मैं जो हूँ हाफ मून यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमें जो है ट्राइंगल डालने इस फॉर्म में तो ये एक हाफ मून हो चुका है तो ऐसा जो है हमें तीन हाफ मून बनाना है तो ये तो एक हो गया है वापस से और एक बनाते हैं और उसके बाद एक और बनाने के बाद जो है हमें एक एक्स्ट्रा जो एक है ट्राइंगल बेस डालना होगा बाहर आप देख सकते हो यहाँ पे तीन ऑलरेडी हो चुका है पर बाहर की ओर हमें एक और डालना है तो जब आप ये वाले तोड़ दोगे तो आप देखोगे अगर ये वाला डिस्ट्रॉय करने जाओगे तो ऐसा आएगा कि मस्ट प्लेस अ कैबिनेट तो जब आप उसके ऊपर कैबिनेट प्लेस कर देते हो तो ये हो गया हमारा एक एक्सटर्नल टीसी रेडी तो अभी मैं वापस से रेड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आ, सेम सिनेरियो में अगर बंदा एक्सटर्नल टीसी रहेगा तो उससे कैसा प्रॉब्लम होएगा अभी वापस से सेम सिचुएशन देखते हैं बंदा मुझे रेड करा तो पहले वो डोर डिस्ट्रॉय करता है और फिर वो यहाँ पे विंडो डिस्ट्रॉय करता है मेरा टीसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए तो लूट रूम में जाने के लिए उसने मेरा टीसी भी डिस्ट्रॉय किया अभी वो खुद का जो कैबिनेट है वो प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरा मेन बेस जो है एक्सटर्नल टी से कनेक्ट हो गया है और मेरा एक्सटर्नल टी जो है प्रोटेक्ट कर रहा है मेरे बेस को ताकि कोई दूसरा बंदा अपना टी प्लेस ना कर पाए तो अभी उसने मेरा टी तो डिस्ट्रॉय किया पर अभी अगर उसको मेरा लूट चाहिए तो उसे और एक्सप्लोसिव यूज़ करना होगा तो वो अगर अच्छे अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव के साथ आएगा तो वो आपका बेस को रेड कर पाएगा पर यहाँ पे और एडवांटेजेस देते हैं एक्सटर्नल टी जैसे कि आपका ऑटो गन ट्रैप्स जो है टीसी के को कनेक्ट होने के बाद ही यूज़ होते हैं तो अगर किसी ने आपका आ, टीसी को डिस्ट्रॉय किया है तो आपका जो गन ट्रैप्स है वो बंद हो जाते हैं तो एक्सटर्नल टी रहने की वजह से अगर उसने आपका मेन टी भी डिस्ट्रॉय किया है तो भी एक्सटर्नल टी सी वजह से आपका जो ऑटो गन ट्रैप्स है वो चालू रहेगा ही एट द सेम टाइम आप यहाँ पे अगर हिडन लूट बनाते हो जैसे आप बंकर बेसिस बनाते हो तो बंकर बेस के नीचे जो है हम बहुत बार एक सीलिंग लगा के नीचे लूट छुपाते हैं तो बंदा वो ढूंढ नहीं पाएगा क्योंकि वो अपना टीसी प्लेस करके डिस्ट्रॉय कर ही नहीं पाएगा तो दैट इज़ अ नजर एडवाटेज जो एक्सटर्नल टी हमें तो देते हैं तो मेन टी या फिर एक्सटर्नल टी कैसे काम करते हैं हमें वो तो पता चल गया पर एक सर्वर पे कितना टी लगता है अभी वो क्वेश्चन आता है तो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक टी है जहाँ पे मैंने एक मेन बेस बनाया जहाँ पे अपना फर्निस और सब रखा है तो एक सर्वर पे जो है आप पाँच आपका कैबिनेट डाल सकते हो पर एक्सटर्नल टी जो है उसके ऊपर आप पाँचों के पाँचों वेस्ट मत करो क्योंकि जब आप रेड करने जाते हो तो आप रेड बेसिस बनाते हो या फिर आपने किसी का बेस डिस्ट्रॉय किया है तो उसका कैबिनेट मिलने के बाद आप आपका कैबिनेट प्लेस नहीं कर पाओगे अगर आप पाँचों के पाँचों आपके टी पे वेस्ट कर दोगे एक्सटर्नल टी पे वेस्ट कर दोगे तो आई वुट रिकमेंड अगर आप सोलो हो तो एक मेन टी के लिए एक मेन बेस के लिए और दो एक्सटर्नल टी डाल सकते हो आप पर अगर आप एक लीजन में हो या फिर डुओ में हो तो आप बंदे को बोल सकते हो कि एक एक्सटर्नल एक एक टी सी उसको डालने दो आप मेन बेस का एक कैबिनेट डाल दो और दो एक्सटर्नल टी सी आप डाल दो तो आपका जो बेस है उसको तीन एक्सटर्नल टीसीज हो जाएगी और आपके पास भी दो बचे रहेंगे और आपके जो बंदा है आपके साथ उसके पास और पांच बचे ही रहेंगे सॉरी चार बचे रहेंगे उसके पास पर आई वुडंट रिकमेंड कि आप एक्सटर्नल डिजीज़ पर आपका सब कैबिनेट वेस्ट कर दो सो so भाई लोग यहाँ पे मैंने एक और एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है तो बेसिकली आपको मालूम ही है कि बार का वॉल्स और डोर्स जो है उसमें मटेरियल जाते हैं पर बहुत सारे अपलायंसेज है फॉर एग्जांपल आप फर्नेस ले लो तो फर्नेस जो है स्टोन और वुड के साथ बनता है तो बेसिकली आपका एच एन टी में अगर स्टोन नहीं रहेगा और आपके मेन बेस में जो है एक फर्नेस है तो शायद से उसे डैमेज मिल सकता है तो यहाँ पर मैंने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया जहाँ पर मैं देखता हूँ कि डिफरेंट अप्लायंसेज पर जो जो यूज़ हो रहे हैं कितना डैमेज आ रहा है तो बेसिकली मैंने एक साइड में स्टोन बनाया जो भी अप्लायसेज जो स्टोन से बनते हैं एक साइड में डालने के लिए और एक साइड में मेटल में क्योंकि बहुत सारे अपलायंसेज में जो है आयरन यूज़ होता है तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है और हम जो हाँ इसे सेट करके देखते हैं कि कैसा डैमेज मिलता है जब उसके अंदर मटेरियल्स नहीं होते हैं सो भाई लोग अभी यहाँ पे मैंने जो है दोनों सेक्शन में दो वुडन चेस्ट डाले हैं फॉर एग्जांपल ये साइड के चेस्ट में वो सब अप्लायंसेज है जो वुड और आयरन से बनते हैं तो बेसिकली आप देख सकते हो जैसे कि हमारा जो लॉन्ग स्टोरेज चेस्ट है जो बनता है आ, मेटल या फिर आयरन और वुड के साथ चेस है चेस ज़्यादा यूज़ होते नहीं है तो बेसिकली चेस से हमें कुछ लेना देना नहीं है पर मेन चीज़ें जैसे कि आप देख सकते हो लार्ज स्टोरेज चेस्ट वापस से वुड और आयरन से बनता है चेस जो है चेस भी बनते हैं आयरन और वुड्स के साथ पर चेस ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है क्लोज़ेट भी जो है आयरन और वुड से बनता है तो वो भी बहुत लोग यूज़ करते हैं अपने बेस में वापस से टेबल जो है आयन और वुड से बनता है पर टेबल्स बनाता कौन है वर्क बेंच वापस से जो है अपना आयन और वुड से बनता है और थोड़े स्पेस भी लगते हैं उसके लिए पर स्पेस मेस्टली यूज़ नहीं होता है मेंटेनेंस में तो इट्स मेन आयन और वुड जो चाहिए होगा इसे मेंटेन करने के लिए सो so, ड्राफ्ट टेबल बनाने के लिए जो है हमें आयन लगता है कुछ स्पेस भी लगते हैं पर जो मेन चीज़ है वो आयन है बेड बनाने के लिए भी जो है हमें वापस से आयन लगता है आयन क्लॉथ और कुछ रोप तो आयन जो है मेन चीज़ हो गया तो यहाँ पे सब चीज़ें को मैं प्लेस करता हूँ अच्छे से और देखते हैं कि इसके मेंटेनेंस निकालने के बाद कैसा परफॉर्म करता है कौन से कौन से अप्लायंसेस को डैमेज मिलता है और किस तरीके से मिलता है तो अब चलते हैं स्टोन के साइड पे और देखते हैं कि कौन से अप्लाइंसेज जो है स्टोन से बनते हैं तो बेसिकली ज़्यादा कुछ बनता नहीं है वो एक होगा फायर प्लेस और फर्नस जो है स्टोन और वुड से बनते हैं तो ये जो दो चीज़ें हैं उसे भी प्लेस करके देखते हैं कि कैसा डैमेज मिलता है स्टोन साइड को और उसके बाद देखते हैं कि कैसे डैमेज मिलता है जो मेटल साइड है उसको तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैबिनेट में सब रिसोर्सेस है तो बेसिकली जो मेंटेनेंस टाइम है वो भी आ रहा है तो हम स्टोन निकाल देते हैं और देखते हैं कि कितना डैमेज आता है स्टोन के साइड को और मेनली अप्लायंसेस को कितना डैमेज होता है या फिर डैमेज होता है कि नहीं तो वो भी चेक करते हैं तो बेसिकली मैंने सब सेट कर लिया है यहाँ पर तो आप ऊपर देख सकते हो कि अभी टाइम दिख रहा है एट फोर्टीन तो वापस से आते हैं और देखते हैं कितना टाइम में डैमेज चालू होता है और कितना डैमेज मिलता है और बेसिकली एक चीज़ जो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ़ आपको मालूम ही होगा कि जब आप एक बेस बनाते हो तो उसके अंदर वुड स्टोन और आयन रहेगा तो आपने तीनों यूज़ करके अपग्रेड किया है कुछ कुछ पार्ट को वुड कुछ कुछ पार्ट को स्टोन में तो अगर आपके बेस में आयन का मेंटेनेंस नहीं है तो सिर्फ आयन का साइड चला जाता है स्टोन और वुड का रह जाता है तो डिपेंड करता है आप बेस कैसे बनाते हो सो so बेसिकली अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8:24 हो चुका है तो बेसिकली 10 मिनट्स हो चुका है हमें और अभी देखते हैं कि क्या डैमेज हो चुका है अप्लायंसेस को या फिर सिर्फ वॉल को डैमेज आ चुका है तो यहाँ पे वॉल को भी जो है थोड़ा डैमेज आ चुका है विद इन टेन मिनट्स पर ये जो है मेंटेनेंस ख़त्म होने के वजह हुआ है मेन टी को निकलने के वजह से नहीं हुआ है तो मैं सिर्फ दिखाना चाहता गया था कि अप्लायंस को डैमेज होता है कि नहीं फायर को जो है डैमेज हो चुका है और फर्नस को भी जो है डैमेज हो रहा है मतलब अगर आपके एक्सटर्नल टी में आपने स्टोन नहीं डाला है और आपके मेन बेस में जो है फर्नास है तो एक्चर्नल टी जो है फर्नसेस को नहीं बचा पाएंगे और कुछ टाइम बाद आपका जो फर्नस है वो अपने आप चला जाएगा तो अभी देखते हैं कि कैसा यूज़ होता है हमारा जो आयन से बन रहा है अप्लाइंसिस पर उसके पहले बहुत एक अजीब सा चीज़ हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने एक और जो है एक्सपेरिमेंट वाला एक बेस बनाया है देखने के लिए कि जो चीज़ स्टील से बनता है कि वो रैप आता है कि नहीं बिना स्टील का तो बेसिकली मुझे एक ही चीज़ मिला है जो स्टील से बनता है कम्प्लीटली और वो है वेंडिंग मशीन तो वेंडिंग मशीन आप देख सकते हो कि इसमें सिर्फ स्टील यूज़ होता है और दूसरा सब जो है आपका मेन लॉन्ग चेस्ट है और आपका जो मेन शेल्फ है वो यूज़ होता है और कुछ गियर्स तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बोलो कि अंदर का टी सी वर्क होता रहेगा कि नहीं क्योंकि उसके अंदर स्टील तो है नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मैं थोड़ा टाइम देता हूँ तो आप वहाँ पर बोल सकते हो कि चलता होगा टी सी कि नहीं और देखते हैं कि होता गया और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कैबिनेट है वो चल रहा है बिना एनी स्टील तो वेंडिंग मशीन जो है कम्प्लीटली स्टील से बनता है पर फिर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है मैंने प्लेस ने किया अंदर स्टील फिर भी जो है चल रहा है तो अभी ये देखते हैं कि आयरन के कौन से कौन से अप्लायंसेस को जो है डैमेज आता है जब हम मेंटेनेंस निकाल देते हैं पर इस बार हम कुछ अलग करते हैं कि हम पहले पूरा बेस को रिपेयर कर देते हैं और रिपेयर करने के बाद स्टोन और आयरन में दोनों भी नहीं डालता हूँ सिर्फ वुड और जो स्टील है मैं वो डालता हूँ क्योंकि देखता हूँ कि कंपेरेटिवली दोनों अप्लायंसेस को कैसे डैमेज मिलता है किसको ज़्यादा मिल रहा है किसको कम मिल रहा है तो वो देखते हैं तो थोड़े टाइम बाद वापस से आते हैं सो मै लोग मैं कुछ टाइम बाद वापस से आ चुका हूँ और देख रहा हूँ कि कुछ डैमेज तो हो चुका है आयन वॉल को पर कंपेरेटिवली जो स्टोन है उससे ज़्यादा डैमेज हो चुका है आयन से तो ये शायद से इसलिए हुआ रहेगा क्योंकि जो आयरन है थोड़ा स्लोली डिग्रेड होता है अगर कंपेयर करोगे आप स्टोन से तो फर्नेस को आप देख सकते हो फर्नस और जो फायर प्लेस है दोनों को इक्वल डैमेज मिला है पर अगर आप स्टोन वॉल को देखोगे और जो आयन साइड है उसे देखोगे तो स्टोन को ज़्यादा डैमेज आ चुका है एज़ कम्पेरिटिवली टू आयन तो अप्लायसेज देखते हैं आयन का कि कितना डैमेज मिला है बेड को तो मुझे दिख रहा है कि थोड़ा डैमेज ऑलरेडी आ चुका है पर सब अप्लायंसेज देखते हैं कि क्या कोई ऐसा अप्लायंस है जिसे डैमेज नहीं हो रहा है तो बेड को जो है डैमेज आ चुका है और वो जो डैमेज है सेम अमाउंट है जितना फर्निस को आ चुका है पर आप बेड को देख सकते हो वो जो है एंड्रेड आयन लगता है उसे बनाने के लिए तो उसे जो है डैमेज आ चुका है आयन नहीं होने की वजह से ड्राफ्ट टेबल के ऊपर भी जो है डैमेज आ चुका है तो सेम अमाउंट ऑफ डैमेज फर्निस्ट को और जिसको बहुत सरप्राइजिंगली जो हमारा वर्क बेंच है वो डिग्रेड नहीं हो रहा है आयरन नहीं होने के बाद भी तो ये कुछ अजीब है क्योंकि उसमें जो वुड है वो यूज़ होता है तो मेरे ऐसा लग रहा है कि वो जो जो वुड है वो उसका मेन कंपोनेंट रहेगा इसलिए वो डिग्रेड नहीं हो रहा है वुड होने के कारण तो वो शायद से हो सकता है हमारा जो टेबल है वो भी डिग्रेड हो रहा है हमारा जो लार्ज स्टोरेज चेस्ट है वो भी डिग्रेड हो रहा है डैमेज आ चुका है और क्लॉजिट पे भी जो है डैमेज आ चुका है तो अप्लायंसेस का मैंने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए दिखाया है क्योंकि ताकि आप समझ सको कि आप जब अप्लायंसेस डाल रहे हो तो आपको एक्स एन में कैसे मटेरियल डालने होंगे क्योंकि अगर कोई अप्लायंस आयन से यूज़ हो रहा है तो आपको एक्सएन टीसी में भी वैसा आपको डालना होगा क्योंकि अगर आप एक्सएन टीसी में आयन नहीं डालोगे तो आपका जो मेन अप्लायंसेज है जो आयन यूज़ कर रहा है या फिर जो स्टोन यूज़ कर रहा है वो डिग्रेड होकर चला जाएगा तो आपका बेस तो बचा रहेगा पर अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है चले जाएंगे जैसे स्टोरेज चेस्ट में आपने लूट डाला है और आपने आयरन नहीं डाला एक्सटर्नल टीसी में तो जो है आय अपना जो लॉन्ग चेस्ट है वो टूट जाएगा और थोड़े टाइम बाद जो इक्विपमेंट्स आपने अंदर रखे हैं वो बाहर गिर जाएंगे और थोड़े टाइम बाद वो भी जो है डिसअपेयर हो जाते हैं तो आपको ये जो है इसलिए मैंने दिखाया ताकि आप समझ पाओ कि एक्सटर्नल टीसी में रिसोर्सेज कैसे डालना है तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सटर्नल टी कैसे प्लेस करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक पॉलीगॉन बनाया है बेसिकली तो यहाँ पे इसके ऊपर जो है छः जो है अपना ट्रायंगल्स लगते हैं तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पे जो है मैंने टी लगा दिया है तो अभी हमें हाफ मूंस बनाना है पर हमें ये जानना है कि यहाँ पे अगर हमने एक टी प्लेस किया है तो ये जो तीन ट्राइंगल है उसके ऊपर हाफ मूंज नहीं बना पाएंगे हम क्योंकि उसका जो रेंज है वो टी के अंदर आ जाता है तो अगर आप यही साइड से बनाने जाओगे तो आपका एक्सटर्नल टी सी प्लेस नहीं होगा आपको थोड़ा और दूर जाना होगा तो ये जो दूसरा साइड है ऑपोजिट साइड टी सी का वहाँ से मैं चालू करता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक हाफ मून बना दिया है जो हमारा चार ट्रायंगल बेसिस डाल के तो वैसे हमें और दो बार करना है दो और हाफ़ मून बना के तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ वो तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीन जो है हाफ मून मैंने डाल दिया है तो एक और जो है ट्राइंगल डालने के बाद इसके पहले वाले को मैं तोड़ देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो मस्ट प्लेस का कैबिनेट तो यहाँ पे जो है कैबिनेट अभी हम प्लेस कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने कैबिनेट प्लेस कर दिया है तो ये जो है, जो है मैं तोड़ देता हूँ ताकि अगर मुझे बेस बनाना है तो ये जो है बीच में आ जाएगा तो एक बार आपने एक्सटर्नल टी सी प्लेस कर दिया है आपने ये जो पात है उसे भी तोड़ दिया है तो आपका जो मेन टी सी है एक बार डिस्ट्रॉय करके देख लो कि क्या वो प्लेस होता है क्या तो यहाँ पे जो तीन है अभी इसके ऊपर हम एक्सटर्नल टी के वजह से हमारा मेन टी सी ये पार्ट पे प्लेस नहीं कर पाएंगे तो देख सकते हो आप जब मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ कैन नॉट बिल्ड इन अनदर प्लेयर्स कैबिनेट तो मेरा ही कैबिनेट है पर वो आप एक और कैबिनेट प्लेस करने दे रहा नहीं है मुझे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप एक टी प्लेस करते हो एक पॉलीगॉन के ऊपर ये जो है रूल प्लेस होता है तो अभी मैं ये तीन पार्ट पे डाल पा पा रहा हूँ पर अभी आप देख सकते हो डिस्ट्रॉय करने के बाद भी मुझे जो है डिस्ट्रॉय करने का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने जो है एक्सटर्नल टी प्लेस किया है तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि तीन कैसे प्लेस करना है टी को तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो पोर्शन में तो लगेगा नहीं तो यहाँ का जो मिडल पोर्शन आता है यहाँ के तीन ट्रायंगल पे तो उसका मैं जो सेंटर वाला है मैं वो लेता हूँ और यहाँ पे जो है हाफ मून डाल देता हूँ और जैसे मैंने पहले बोला था वैसे आपको जो है फॉलो करना है तो भाई लोग अभी एक जो है हमारा एक्सटर्नल टीसी सी प्लेस हो चुका है तो एक और प्लेस करते हैं तो उसमें आपको करना क्या है आपको चेक करना है कि सबसे दूर कितना लग सकता है टी सी क्योंकि एक बार टी सी लग गया है तो एक ट्रायंगल जो उसका मेन ट्रायंगल जो उसके ऊपर है और उसके साइड के दो ट्रायंगल उसके ऊपर से आपको बाहर जाने नहीं मिलेगा तो आपको करना क्या है कि आपको देखना होगा कि कौन सा ट्रायंगल उसके साइड में नहीं है जैसे कि ये वाला भी उसके साइड में बिल्कुल नहीं है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से वापस से हाफ़ मून डाल के आ, मेरा एक और एक्सटर्नल टीसी प्लेस कर देता हूँ वापस से आपको जो है सेम जो है फॉलो करना है आपको जो है तीन हाफ मून डालना होगा और आपका एक्सटर्नल टी प्लेस हो जाएगा सो so बेसिकली अभी हमारा एक और जो कैबिनेट है वो प्लेस हो चुका है और ये वाला जो है आपने सेम टेक्निक यूज़ करके प्लेस कर दिया है पर अभी इसके बाद वाला जो होगा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट नहीं बोलेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि यहाँ पे जो है हाफ मून का तरीका यूज़ नहीं होगा इसलिए जब आप बेस बना रहे हो या आपको दो चीज़ याद रखना है जब आप एक्शनल डिशीज डाल रहे हो क्योंकि एक तो मेन चीज़ होगा कि आपका जो टी है उसका पोजिशन फिक्स हो जाएगा एक बार आपने बनाया तो तो आपको हमेशा पहले प्लान करना है कि आपको आपका टीसी किधर रखना है उसके बाद जो है आप एक्सटर्नल टी पहले बना दो फिर आपका पूरा मेन बेस को खड़ा कर दो क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा मेन मेन जो टी है उसे अपना पोजिशन चेंज करने के लिए तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वापस से मैं दूसरे जगह पे प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ खाली एक ट्रायंगल तक मैं मूव कर पा रहा हूँ और दूसरा ट्रायंगल्स के ऊपर जो है अगर मैं प्लेस करने जाऊँ तो ऐसा दिखा रहा है कि दूसरा कैबिनेट प्लेस्ड ऑलरेडी है इसलिए मैं प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ तो ये जो आपने दो तो लगा दिया है हाफ मून डाल के पर ये जो तीसरा वाला है ये हाफ मून का जो है उसे यूज़ नहीं हो कर सकते हो क्योंकि आप देख सकते हो जब मैं यहाँ पे तीन हाफ़ मून बनाता हूँ और मैं एक डिस्ट्रॉय करता हूँ तो मुझे जो है तीसरा वाला भी डिस्ट्रॉय करने होगा जो बाहर वाला ट्राइंगल है वो भी डिस्ट्रॉय करने हो जाता है क्योंकि जो मेरा टी है वो और नज़दीक है ये वाले हाफ मून पे तो इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ डिफरेंट जो है वो तरीका यूज़ करना होगा आप चाहते हो तो आप एक और जो है ट्रायंगल डाल सकते हो ऐसा बार और उसको डिस्ट्रॉय करने का आप देख सकते हो वापस से आ रहा है मस्ट प्लेस कैबिनेट तो आपको एक जो ट्रायंगल है आपको एक एक्स्ट्रा डालना होगा ताकि जो है थोड़ा बाहर चला जाए ये वाला टी का पोजिशन पर उसका टेंशन मत लो जब आप इसलिए मैं आपको बोला कि आ, पहले आपको आ, आपका एक्सटर्नल टीसीज प्लेस करना होगा क्योंकि जब आप अभी इसे थोड़ा डिस्टेंस डाल दिए हो तो जब आपका मेन बेस फॉर्म हो रहा है तो उसका जो है स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ जाएगा जिसके वजह से ये जो बाहर है थोड़ा सा कैबिनेट वो भी आपके रेंज में आ जाएगा तो ये भी कैबिनेट आपका एक्सटर्नल टीसी जैसा काम करेगा आपके लिए सो so, एक्सटर्नल टी प्लेस करने हम सीख चुके हैं तो अभी आते हैं रिसोर्सेज पे कि रिसोर्सेज कैसे डालते हैं तो बेसिकली यहाँ पे जो पॉलीगॉन जैसे मैं पहले यूज़ कर रहा था उसे मैं कम्प्लीटली स्टोन में अपग्रेड कर देता हूँ तो कुछ पार्ट्स को जो है मैं वापस से आयरन कर देता हूँ और कुछ पार्ट्स को जो है स्टील कर देता हूँ और एक पार्ट को जो है मैं वुड भी करके रख देता हूँ ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि आप कैसे बाहर का जो टी सी था उसमें कैसे रिसोर्सेज डाल पाओगे और कितना टाइम आपको वापस से जाके उसमें रिसोर्सेज डालना होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं मेन जो टीसी है उसमें सब जगह पे मैं जो है इक्वल अमाउंट ऑफ लूड डाल देता हूँ ताकि हम समझ पाए कि टाइम कैसा हमें चेक करना है तो बेसिकली एक्सटर्नल टी में आपको कितना रिसोर्सेज डालना होगा आपको कैसा पता चलेगा तो बेसिकली आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप कितने टाइम में वापस से ऑनलाइन आते हो तो बेसिकली अगर आप मोस्टली आठ घंटे में या फिर दस घंटे में वापस से ऑनलाइन आ ही जाओगे तो आप जो है मटेरियल्स डाल दो जो मेन टीसी है उसमें तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेंटेनेंस टाइम फिफ्टीन आ रहा है और मैंने हर चीज़ जो है थर्टी थर्टी डाला है रिसोर्सेज को थर्टी वुड थर्टी स्टोन थर्टी आयन और थर्टी स्टील तो मुझे ये मालूम है कि मेरा जो मेन बेस है वो जो है थर्टी रिसोर्सेज डालने के बाद फिफ्टीन आवर्स के लिए चालू रहेगा तो मुझे क्या करना है जो एक्सटर्नल टी है उसमें भी जो है इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रूट डालना है थर्टी 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 ताकि अगर मेरा मेन बेस भी चला जाए तो एक्सटर्नल टी के हेल्प से आ, मेरा जो मेन बेस है उसका स्ट्रक्चर एटलीस्ट पंद्रह घंटे के लिए आ, जो है ऑनलाइन रहेगा ताकि अगर मैं बाद में आने के बाद मैं वापस से रिसोर्स कलेक्ट करके मेन बेस में डाल दूँ तो मेन एक्सटर्नल टी का ऐसा आपको हेल्प मिल जाएगा सुबह लोग यहाँ पे होता है वीडियो कंप्लीट तो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि कैसे रिसोर्सेज डालते हैं कितना टाइम आप रख सकते हो एक्सटर्नल टीसीस को कौन सा अप्लायंसेस अफेक्ट होता है तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर देना क्योंकि बहुत टाइम लगता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू शेयर इट और अगर आपको ऐसा और वीडियोस देखना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करिए ताकि जब भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँ आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो सी ऑल इन ए वीडियो टिल देन पीस आउट